मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के संकल्प का परिणाम है केंद्र रसोई योजना। प्रदेश भर में गरीब मजदूर बुजुर्गों एवं सरकारी हॉस्पिटल कृषि मंडियों में आने वाले किसानों रेलवे स्टेशन बस स्टैंड पर सभी यात्रियों प्रदेश के सभी नगर निकायों में जरूरतमंदों के पेट भरने में महत्वपूर्ण साबित हो रही है। बुधवार को राजधानी जयपुर में सचिवालय के पास स्थित इंदिरा रसोई योजना का मूल्यांकन विभाग की टीम द्वारा भोजन की जांच और मूल्यांकन किया गया। इस दौरान मूल्यांकन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि यहां पर जो भोजन दिया जा रहा वो अति उत्तम क्वालिटी का है, खास तौर पर साफ सफाई की व्यवस्था भी बेहतर है। यहाँ पर हमने मूल्यांकन किया और यहाँ हमने भी खाना खाया। इंदिरा रसोई के तहत मात्र 8 रुपए में लगभग प्रदेश भर में 7 करोड़ से ज्यादा थाली परोसी जा चुकी है। राज्य सरकार ने कुल 1000 रसोई के साथ 13.81 करोड़ थाली का लक्ष्य निर्धारित किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के संकल्प के साथ इंदिरा रसोई योजना प्रदेश भर में लोगों के लिए वरदान साबित हुई है। मुख्यमंत्री गहलोत ने स्वयं जगह जगह रसोई में जाकर खाने का स्वाद चखा और लोगों से खाने की गुणवत्ता के बारे में जानकारी ली। साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निर्देश दिए कि सभी जिला एवं नगर निकायों के अधिकारी तथा जनप्रतिनिधि हर महीने इंदिरा रसोई में जाकर खाने का निरीक्षण करें और लोगों के साथ बैठकर खाना खाएं। योजना से मिल रहा सम्मान पूर्व खाना। इसी तरह 22 गोदाम निवासी संदीप सिंह ने बताया कि मैं निजी कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता हूं। गार्ड की सेवा में होने वाली आय से परिवार का पालन पोषण ठीक तरह से नहीं हो पाता है। परिवार के लिए अल्प आय होने से 2 वक्त का खाना भी ठीक तरह से उपलब्ध नहीं हो पा रहा था। आय का आधा हिस्सा घर के राशन पर खर्च हो जाता था, जिससे घर के अन्य कार्य करना मुश्किल हो गया था। लेकिन जब से लाल कोठी स्थित इंदिरा रसोई शुरू हुई, तब से 8 रुपए में स्वच्छ व पौष्टिक खाना मिल जाता है, जिससे घर का राशन लाने में भी समस्या दूर हो गई है। अपनी भूख मिटाकर संदीप सिंह बहुत खुश है और उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। इंदिरा रसोई योजना में मुझे सम्मान पूर्वक दोनों समय खाना मिल रहा है।